ऐसी ही खत्म होती है. आई लव माई बेटा द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड और मेरा रौनक मुझसे भी उतना ही प्यार करता है. तो चलिए अब रौनक को बुलाती हूँ. रौनक. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. जीते रहो बेटा. गुड आफ्टरनून टू यू ऑल फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच आप लोग के यहाँ आए और मेरे जन्मदिन में आप सभी का स्वागत है. आई रियली रियली अप्रिशिएट इट. बट सबसे बड़ा थैंक यू टू माई मदर फॉर अरेंजिंग ऑल दिस एंड मेकिंग मी फील सो स्पेशल. क्योंकि माँ जो शब्द है वो कितना प्यारा होता है. हम सबको अपनी माँ से बहुत प्यार होता है और मुझे अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार है क्योंकि मेरी माँ मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है पूरी दुनिया में. इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पास माँ है. अब केक काटें. केक लाइए प्लीज. इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे एक कहना चाहता हूँ कि जन्मदिन तो मेरा है लेकिन एक्साइटमेंट माँ को ज़्यादा होती है और मेरी हर पसंद का उन्हें पता होता है. जैसे कि मेरे कपड़े, मेरे वॉचेस, सब कुछ माँ सेलेक्ट करती है और बेटा पहनता है. सो हैप्पी बर्थडे टू माई मदर फॉर माई बर्थडे. पर एक बात ही कंप्लेन है मुझे आपसे, आप अपने मन की बात मन में ही रखते हैं, किसी से नहीं बोलते. मतलब हम लोग इतनी बार मिले, एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, पर आपने मुझसे कभी नहीं पूछा. तो ठीक है, आज मैं सबके सामने आपसे पूछ लेती हूँ. क्या आप उसे दोस्ती करेंगे? मेरे बेटे की जिंदगी का हर फैसला आज तक मैंने लिया और ये फैसला भी सिर्फ मैंने लिया कि मेरा बेटा रौनक किससे शादी करेगा और किससे साथ में मिलेगा. वो सिर्फ मेरी ताकत ही नहीं, मेरी कमजोरी भी है. रौनक सिर्फ वैसे ये है हमारा शो. अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब इस शो की एवी और प्रोमोज देखें. सो एंजॉय गाइस. थैंक यू सो मच. प्यार की धूप, ममता की छांव तले, सिलसिला प्यार का, जल्द ही स्टार प्लस पर और हॉटस्टार पर.
मेरा बेटा सिर्फ मेरे इशारों पर चलता है। उसकी जिंदगी की किताब का हर एक पन्ना अब तक मैंने लिखा है, हमेशा मेरे हाथ रहेगा। इसकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल, इसका फैसला तो आने वाली करेगी, है ना? प्यार कंट्रोल करने का नाम नहीं है, खुलकर जीने की आजादी। कैसे खिलेगी प्यार की धूप? ममता की छांव तले सिलसिला प्यार का, जल्द ही स्टार प्लस पर और हॉटस्टार पर। दुनिया सूरज देख के सबेरा मानती है, और हम अपने चांद को देख के। मेरा अच्छा बुरा आपसे बेहतर कोई नहीं, जिसने मेरी जिंदगी का ये फैसला भी सिर्फ आप। एक बार मैं माँ से कह दूं मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, तो वो छट से हाँ कह दी। रौनक की खुशी सिर्फ मुझसे जुड़ी, कोई लड़की उस पर हक जताए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। तू मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी बेटा। वो रौनक सर को अपना बेटा नहीं, एक रोबोट बनाना चाहता। जितना प्यार माँ मुझे देती है, आई एम श्योर काजल मेरी लाइफ में उतनी ही खुशियाँ लेकर आएगी। मुझे नहीं पता था मुझसे कर्जा लेने वाला एक मिठाई का दुकानदार एक दिन मुझे अपने सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर देगा। काजल और रौनक, रौनक के लायक बनने के लिए काजल को 100 जन्म लेने पड़ेंगे। क्या तुम्हें आज जिंदा काजल को सगाई की अंगूठी पहनानी है या कल उसके तस्वीर पर हार चढ़ा? तो तुमने क्या तय किया है काजल? क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर? जिंदगी भर इस धोखे के साथ नहीं जी सकता। भाई भाई बोलकर इतना बड़ा धोखा, जैसे इंसान की तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहता। प्रोमोज और ये भी अच्छे लगे होंगे, जितना मज़ा हम लोगों को आता है ये शो शूट करने में। हम लोग यही चाहते हैं कि ये शो उतना ही सक्सेसफुल हो। अब मैं बुलाना चाहूँगी मेरे बेटे रौनक और काजल को और हमारे डायरेक्टर रवि जी को। रवि जी प्लीज़ सेट पे आइए। यहाँ पे रवि जी इज द कैप्टन ऑफ द शिप, हमारे डायरेक्टर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे फोटोग्राफर्स को, इफ वी कैन डू अ फोटो ऑप मैम, अगर आप लोग स्टेज पे एक बार फोटो ऑप्स के लिए। यस सर, प्लीज लुक एट अस, एक्सक्यूज मी वन एयर, वन बाय वन सोलो। Yeah.
सर यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड वन मोर अरे या लुक ए लुक इधर इधर सेम शुरू करते शिल्पा जी, सबसे पहले जो प्रोमोज हमने देखा है तो क्या कहीं ना कहीं नेगेटिव झलक दिखने वाली है? नेगेटिव झलक नहीं दिखेगी, क्योंकि माँ है तो माँ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। बस प्यार इतना है कि वो प्यार उससे क्या क्या करवाएगा वो पता नहीं। ये अक्सर हमने देखा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कही जाती है, बट आप टीवी अगर देखें तो बहुत ज्यादा फीमेल डोमिनेटिंग दिख रही है। टीवी इज द ओनली मीडियम दैट शोज द वुमेन पावर। यस सेंटर अभी कहाँ से सेंटर है? सेंटर लुक। अच्छा ओके ओके अच्छा लुक वहीं। जानकी तिवारी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है, वो बहुत जिद्दी है, और जैसे मैंने आप सब से कहा कि उसको उसके बेटे के साथ बेइंतहा प्यार है। वो ऐसा मानती है कि सिर्फ वो एक इंसान है इस दुनिया में जो अपने बेटे के लिए सही गलत चुन सकती है, बाकी के सब लोग जो है किसी न किसी रीज़न से उसके साथ है। तो ये है कैरेक्टर जानकी का। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस रोल के लिए। मैं बहुत ही चिल्ड आउट और कूल मदर हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ, 12 साल की बेटी है मेरी, और मैं मेरी बेटी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम लोग सब डिस्कस करते हैं, हम लोग सब फिल्में देखते हैं साथ में। मैं बहुत एडजस्टिंग और कॉम्प्लेक्स बहुत बेचारी हूँ एक्चुअली। पता नहीं रश्मि जी ने क्या सोच के ये तय कर लिया कि आई एम द राइट वन फॉर दिस रोल, बट आई एम एंजॉइंग प्लेइंग जानकी तिवारी, क्योंकि मैंने कभी भी इतने साल के करियर में ऐसा रोल नहीं किया है। तो मेरे लिए एज एन एक्टर इट्स अ चैलेंज, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि रश्मि शर्मा हैज़ ट्रस्टेड मी टू डू दिस। बताइए। रौनक तिवारी मेरे कैरेक्टर का नाम है, रहता है बड़े शानदार से घर में, लेकिन है टिपिकल बॉय नेक्स्ट डोर, रिजर्व सा है, थोड़ा सा शाय है, अपनी माँ से बहुत बहुत प्यार करता है, अपनी माँ उसके लिए पूरी ज़िंदगी है, लेकिन इतना शाय है कि जिस लड़की के लिए उसका इन्फैचुएशन है, क्रश है, बात करना इजहार करना तो दूर की बात है, उसे बात भी नहीं ठीक से कर सकता। तो बहुत ही रिजर्व सा कैरेक्टर है, और अपनी इन अ टिपिकल इंग्लिश वे इज ही इज़ अ ममाज बॉय। मेरा कैरेक्टर काजल, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली की बेटी या लड़की बिलीव करती है जिन चीज़ों में, जैसे कि उसके जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर है जिससे वो बिलोंग करती है, उसके लिए भी बहुत मायने रखते हैं। तो मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती थी इस कैरेक्टर से, और उसका मानना है कि प्यार कंट्रोल करने का नाम नहीं है या किसी को डोमिनेट करके नहीं रखा जा सकता है। तो ओवरऑल मेरा कैरेक्टर ये है, और बस यही है, मज़ा आ रहा है काम करके। अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ, और अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब शो की यूएसपी क्या होगी, क्योंकि अब तक के जो शोज देखे वहाँ पे कहीं ना कहीं कहानी मिलती जुलती होती है जहाँ पे माँ बेटे का रिलेशन होता है, इस तरह होता है, बट अगर आपसे जानेंगे तो ये कहानी आपके शो की कहानी कहाँ ले जाती है, ऑडियंस को क्या नया दिखाएगी? नहीं, हमारे शो की कहानी बहुत अलग है। मतलब लोग ऐसे मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि माँ ओवर पोजेसिव भी होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो हर माँ अपने बेटे को या अपने बच्चे को लेकर पोजेसिव तो होती ही है, जो कि वो बहुत ही पॉजिटिव है शिल्पा जी का कैरेक्टर, पर एट द सेम टाइम उनका प्यार इतना ज़्यादा है अपने बेटे के लिए कि अगर मैं कोई, जैसे काजल, सपोज मैं काजल की बात करूँ, और काजल कोई सही बात भी कहती है, जैसे अगर वो बोले कि
हो सकता है आपकी जो लाइकिंग है किसी चीज को लेकर के या किसी लड़की को लेकर के भी, हो सकता है आपके बेटे की ना हो, तो ऐसे जो छोटी छोटी बातें हैं उनको चुप जाती है क्योंकि उनको लगता है कि उनका बेटा वही करेगा जो वो चाहती हैं। देखा जाए तो जानकी तिवारी भी गलत नहीं है और देखा जाए तो तो ये जो फुल ड्रामा क्रिएट होगा या जो भी इमोशनल ट्रैक आने वाला है शो में आगे, वो देखकर लोगों को मजा भी आएगा और चीजें समझ में भी आएंगी। मैं मान जाना चाहेंगे अभी तक ये कहा जाता कि बेटा किसी माँ का बेटा तब तक उसका होता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। ऐसा मैंने भी सुना है जी, तो क्या इसके बाद वो कहावत बदल जाएगी? मेरा पति अभी तक उसके माँ का ही है तो मैं क्या करूँ? बट यहाँ मेरा मानना है और सब माएँ यही इसी उम्मीद से होती है कि उनका बेटा हमेशा उनके पास रहे। पल्लू से बनकर तो नहीं रह सकते कोई, लेकिन ये जो चेंज है कि योर मामाज बॉय टिल यू गेट मैरिड इज़ प्रॉबली ट्रू बिकॉज बॉयज़ आर लिटिल मोर इंडिपेंडेंट, उनकी एक ज़िंदगी हो जाती है। सो आई गेस उसकी खुशियाँ एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हमेशा हमको लगता है कि बच्चों ने ऐसे दोस्त करने चाहिए जहाँ जिससे उनका इन्फ्लुएंस अच्छा हो, वो अच्छी तरह से बातचीत करें, क्योंकि कभी कभी किड्स पिक अप बैड लैंग्वेज इन स्कूल एंड द फर्स्ट थिंग द मदर आस्क्स हु आर योर फ्रेंड्स। तो अगर वो हिस्ट्री अगर हम देखें तो हम माओं को हमेशा यही लगेगा कि जो इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में है वो गलत है, क्योंकि वही एक शख्स है जो अपने बच्चों के लिए अनकंडीशनली प्योरली जेन्युइनली प्यार करती है, और कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो, और एक्चुअली इट्स ट्रू बिकॉज शी इज़ द ओनली पर्सन हुज केप्ट द चाइल्ड फॉर 9 मंथ्स, शी गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड, शी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, टेक्स केयर ऑफ द चाइल्ड टिल ही इज़ ग्रोन अप और टिल शी इज़ ग्रोन अप। तो मेरे हिसाब से ये मानना गलत होगा कि माएँ प्यार में गलत चीज़ें करती है, गलत सोच है माओं की। आई थिंक अ मदर इज जस्टिफाइड इन लविंग हर चाइल्ड एज मच एज शी डज। सॉरी, वो आपको देखना पड़ेगा। I was waiting for the right break to be very honest, and jab is I was approached by Star Plus and Rashmi ji for this role and show, I am so happy that I've come back with the right kind of a break and a good breakthrough, because this show is going to relate to everyone. Jaise ki Shilpa ji ne bataya ki love has no boundaries, chahe maa ke liye pyar ho ya girlfriend ke liye, biwi ke liye, hum sab apni maa se bahut pyar karte hain. Bete basically pis jate hain sab mein. I agree. हाँ, वो तो एक आम आदमी का यही प्रॉब्लम है, सैंडविच हो जाता है ना बिटवीन मदर एंड। तो इस सैंडविच में किसको सिलेक्ट किया आपने, मदर को? वो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। ये क्वेश्चन है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। थैंक यू।